इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों आएगी। सच में आज सर दीवार पे मारने का मन कर रहा है। सच में कहाँ से लाते हो ऐसी खबरें? कौन बता देता है ये सब आपको? कौन बता देता है? इस बार ऑफलाइन पेपर होगा। कौन बता देता है ये सब? इसीलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि पूरा वीडियो देखें, सुना करो ध्यान से, उसके बाद कमेंट किया करिए। क्योंकि जिस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं आप लोग वही कमेंट करते हो। पता नहीं आपको ये सब कौन बता देता है, समझ में नहीं आता मुझे। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ सीए एपीएस जितनी भी वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो कोर वैकेंसीज होती हैं उसमें सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग आती है। इसमें ज्वाइनिंग आपकी इलाहाबाद या लखनऊ होती है। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो वैकेंसी होती है, जो अभी आके निकल गई है स्टेनोग्राफर या जो आती है ग्रुप सी की, जूनियर असिस्टेंट की, इसमें दोनों टाइपिंग आती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओएल में दोनों टाइपिंग नहीं आती, सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग आती है। जो नए नए लोग हैं जो अभी अभी वीडियो बनाना शुरू किए हैं या फिर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भ्रमित मत करिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो कोर वैकेंसीज हैं आरओ एआरओ सीए एपीएस पीएस में सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग आती है। और एक चीज बता दे रहा हूं, ऑफलाइन पेपर कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। जैसा पैटर्न पिछली बार था वैसे ही आने की उम्मीद है। वो तो लोग अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि पिटीशंस बहुत डाली गई थी, तो हो सकता है एनटीए इस बार ऑफलाइन करा, लेकिन ऑफलाइन में जाम ज्यादा होता है। ठीक है, वो तो मैंने आपको सेफ खेलने को बोला था कि सेफ खेलिए। सेफ इसलिए खेलिए क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाती है ऑफलाइन में। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं टाइपिंग सीखिए, टाइपिंग स्टूडियो में जाइए, उंगलियां रखवाना सिखाएंगे, याद करिए, बटने याद करिए, सब कुछ होगा। धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा, वैकेंसी आके निकल भी जाएगी। बीटेक वाले भी अलाउ हैं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आपका बीटेक हो, ये बता दे रहा हूं। डेली क्विज मैं आपको दे रहा हूं, हर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस दे रहा हूं, दोनों भाषाओं में दे रहा हूं। आप अपना तैयारी चेक कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब कुछ आप दे सकते हो। सब कुछ मैंने आपको दिया हुआ है, सभी पीडीएफ दिए हुए हैं, सभी स्टडी मिनट्स मैं आपको दे रहा हूं। जितना मुझे समय मिलता है मैं अपना पूरा समय टेलीग्राम में दे रहा हूं। डिस्कशन ग्रुप मैंने बना दिया है, आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई भी मैं उसमें करता हूं। क्योंकि कई बार मैं कॉल नहीं उठा पाता हूं, कॉल उठाना पॉसिबल नहीं मेरे लिए, बहुत लोगों की कॉल आती है और सभी के कमेंट्स पॉसिबल नहीं है रिप्लाई करना। ठीक है, दूसरी बात ये, यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करिए अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर वीडियोस मैं दूं, जेन्युइन वीडियोस दूं। देखिए इस तरह की खबरें पता नहीं कौन, इसलिए कहता हूँ ध्यान से सुनिए, समय मत बर्बाद करिए, पढ़ाई करिए और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद।